हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज था 27 मई, मंडे का दिन था। मार्केट ओपन हुआ और आज फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक ढा जाए जिसमें आप ब्रेकआउट आ रहा होगा, जिसमें आप कल के लिए ट्रेड कर सके। तो हमने तीन स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है और कल के दिन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है फिनोलेक्स, फिनोलेक्स केबल्स। इसमें देख सकते हैं आप, आज के दिन इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है और इसने आज अराउंड 13-13.5% का क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ट्रेड के लिए। कल अगर 1500 के ऊपर इसमें ओपनिंग आती है तो इसमें आप 1600 और 1700 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1600, दूसरा 17। मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम आया हुआ है स्टॉक में, आपको इजीली 1 से 2 दिनों में आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। एंड सेकंड जो स्टॉक है ये है पारस डिफेंस। ये हमने आपको कल भी रिकमेंड किया था और आप देख सकते हैं आज इसमें भी पाँच अराउंड 4.14 पे इसने क्लोजिंग दिया है। इसमें अगर कल को ओपनिंग होती है अराउंड 900 के आसपास ओपनिंग होती है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो और ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट जो होगा ऑब्वियसली वो होगा 930 और सेकंड टारगेट 950 और तीसरा होगा 1000। इसको आप प्लीज अपने वॉच लिस्ट में रखें। थर्ड स्टॉक जो है वो KECL है। KECL में आप देख सकते हैं इसने हाई कुछ दिन पहले हाई लगाया, उसके बाद फिर 4-5 दिन ये स्टॉक नीचे आया है। आज के दिन इसमें नीचे सपोर्ट लेके अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें देख सकते हैं आप ब्रेकआउट आया और अराउंड इसने 7% की क्लोजिंग दी है आज। तो कल इसमें ट्रेड करने के लिए अगर ये अराउंड 198, 199 मतलब अराउंड 200 के आसपास अगर इसमें ओपनिंग होती है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और पहला टारगेट आपको ऑब्वियसली इसमें 210, दूसरा 220, 230 तक के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही आपको 230 तक का इसमें आपको टारगेट अचीव हो सकता है। 175 के नीचे जाता है तो इसमें फिर ट्रेड ना लें। बाकी और भी इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।